ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। लग्न समारंभासाठी वराड घेऊन आलेल्या बसने दुचाकीला कट मारली आहे आणि याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेला तरुणाला 3 ते 4 जणांच्या टोळीने बेदम मारहाण केल्याची घटना अंबरनाथच्या मटका चौकात घडली आहे। तर बस चालकाला देखील मारहाण झाल्याने परस्पर विरोधी गुन्हे अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत। सध्या दुचाकीस्वार तरुण मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहे। सेल्वन कलिमूर्ती हा तरुण विमको नाका येथून जात असताना मागून येणाऱ्या बस चालकाचा धक्का दुचाकीला लागला, परंतु बस चालकाने बस न थांबवता मटका चौकात आणली। यावेळी सेल्वन याने मटका चौकात येऊन बस चालकाला जाब विचारला असता बसमधील वराडी श्रीकांत जाधव आणि इतर महिलांनी सेल्वन याला बेदम मारहाण केली। या मारहाणीत सेल्वन हा जखमी झाला असून त्याच्यावर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। दरम्यान बस चालकाला देखील मारहाण झाल्याने पोलिसांनी परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करून घेतलेत। विंको नागा सॉरी अपना जो गाँव देवी मंदिर में केक शॉप ओपन किया था, तो मैं अपने दोस्त को लेके गया था वो केक शॉप के ओपनिंग के लिए। तो वहाँ से जो हम लोग बाइक पे निकल गया, ये और मेरा एक दोस्त है चिन्ना करके, दोनों गाड़ी से मतलब रिक्शे से आ रहे थे। तो रिक्शे में आते वक्त तो बस वाले ने टोक दिया उसको रिक्शे में। तो इन लोग ने क्या किया, तो रिक्शे में इन लोग ने फॉलो करके बस वाले को रुका के अपना मटका चौक के इधर रुका के, तो बस वाले को ड्राइवर को बाहर बुला के बात कर रहे थे क्यों टोक दिया, तो बिना टोक मतलब टोक के बिना गाड़ी रुके बिना जा रहे करके। तो उतने में पूरा पब्लिक वहाँ से जो रिक्शे के सॉरी अपना जो बस में जो पब्लिक थे आके उसके सीधा इसको मार के उठा के फेंक दिए थे। तो हमारे जो एरिया के दो बंदे लोग ने देख के इसको रिक्शा में लेके आके जो अपना स्वामीनगर के इधर जो जूना बर्फ की कंपनी था वहाँ पे पड़ा था बंदा, फिर मैं उसको वहाँ से लेके यहाँ हॉस्पिटल में आया। और एक मेरा एक चिन्ना मेरा एक फ्रेंड है करके, तो अभी हॉस्पिटल में सीरियस है। और मैं जो पूछने गई थी एक औरत, मैंने बोल रहा था पहला वो बंदे को हॉस्पिटल लेके ले जाने दो, तो उसमें पुलिस स्टेशन जब करता हूँ मैं उसको पहले उसको हॉस्पिटल ले जाने दो, वो बहुत सीरियस है। औरत क्या बोल रही है, नहीं उसको पहले पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर उसको जान के लिए कुछ हो जाएगा, तो दो बच्चे हैं उसको। तो मैं ये बोलते वक्त ना वो सीधा औरत आके मेरा मुंह पे हाथ लग के मेरे को मारने के लिए आ रही है, वो औरत है, मैं उसके ऊपर कंप्लेन करने का मुझे। तो अभी बंदे लोग को दोनों को कुछ हो जाएगा ना तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर। ये मारहाण का कारण क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? हमको कुछ पता ही नहीं है, हम लोग आके उन लोगों ने आके टोक दिया था, उन लोगों ने आके टोक दिया था। बंदे लोग पीछे जाके पूछ रहा था क्या हो गया, क्यों टोक के बिना तू बिना मतलब टोक के बिना रोके तो जा रहा है घर के, तो उतने में आके मार रहे उन लोग मतलब बस के पूरा उन लोग मतलब सब फैमिली रहेगा तो क्या हो गया, गलती है तो पूछेंगे ना। मैं पूछूंगा ना, मतलब मेरे को तो टोक के जा रहे, अगर मेरे को रिक्शा अगर उस वक्त पलटी हो गया रहेगा तो मेरा जान का क्या गारंटी था। तो मेरा बच्चे उसको भी दो बच्चे है, उसको भी दो बच्चे है, तो इन लोगों को जान जाता तो जाके पूछेंगे ना बस वाले को। तो उतने में आके मार रहे लोग सब पूरा लेडीज और पूरा जेंट्स लोग, और जो हम लोग पूछने गए तो हॉस्पिटल ले जाने बोल रहे तो मतलब हम लोग को ही मारने आ रहे, तो क्या लेडीज है कि क्या, वो क्या समझ रहे खुद को, हम लोग को भी मारने आता है तो पहले समझना पड़े हम लोग को क्या मतलब किसके ऊपर गलत है। हम लोग समझने गए तो उसने में उसको हॉस्पिटल ले जाने नहीं दे रही है, तो उन लोग को पूरा को सबको जमा करो उसको। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जगन है। आकाश सहानी, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।